हेलो एवरीवन, इन टुडेज वीडियो वी विल कन्वर्ट हेक्साडेसिमल नंबर टू ऑक्टल नंबर एंड ऑक्टल नंबर सिस्टम टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इन दैट फर्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग हेक्स नंबर्स टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। सो फर्स्ट नंबर इज ए, क्वेश्चन इज A72E। So this is fully integer part, and in B the number is having only fractional part. So let's start. Now ये जो question दिया हुआ है ये hexadecimal में है, तो अब हम hexadecimal से octal में हमको convert होना है, तो हम पहले hexadecimal से binary में जाएंगे और binary से हम octal में जाएंगे, क्योंकि हेक्साडेसिमल से बाइनरी का कन्वर्शन बहुत इजी है और बाइनरी से ऑक्टल का कन्वर्शन बहुत इजी है। तो देखें कैसे करेंगे। तो यहाँ पर जो ये नंबर है A72E, इनके लिए जो रिस्पेक्टिव बाइनरी नंबर्स हैं वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो A मतलब 10 के इक्विवेलेंट है, तो 10 मतलब 1010। आपको पता है कि हम 4 बिट रिप्रेजेंटेशन होता है बाइनरी में, तो 7 हो जाएगा। मैं ग्रुप में ही लिख रही हूँ 4-4 के, तो आपको क्लैरिटी हो। ये 7 के लिए, 2 के लिए लिखते हैं 0010, एंड व्हाट इज फॉर ई, ई इज इक्विवेलेंट टू 14, तो 14 के लिए आप क्या लिखते हैं 1110। ये हुआ आपका बाइनरी नंबर, सो बेस 2। अब हमको कन्वर्ट होना है ऑक्टल में, ऑक्टल में कन्वर्ट होना है, तो आपको बेसिकली इसकी थ्री बिट में हर डिजिट को बताते हैं, इसलिए इसको ये 4 जो हमने करे ना 4 4 4 4, इनको आप 3 3 की ग्रुपिंग करेंगे। 3 3 की ग्रुपिंग के लिए आप इसको एक बार लिख लें ऐसे पास में 1010 0111 0010 1110। मैंने ये ऊपर के ही नंबर अभी लिखे हैं नीचे। अब हम इसकी 3 3 की ग्रुपिंग करेंगे, लेकिन 3 3 की ग्रुपिंग सिंस ये इंटीजर पार्ट है तो हम राइट हैंड साइड से करेंगे। तो राइट हैंड साइड से आएंगे ये 3, फिर ये 3, फिर ये 3, देन दिस एंड देन दिस, एंड ये 1 अकेला रह गया, तो इसके आगे, इस 1 के आगे 2 0 आप लगा दें तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, अब इस इन ईच 3 बिट के लिए जो ऑक्टल में रिप्रेजेंटेशन होता था वो आप लिखेंगे 001 मतलब 1, 010 मतलब 2, 011 मतलब 3, 100 मतलब 4, 101 मतलब 5, एंड 110 मतलब 6। तो ये जो आपका नंबर है ये हेक्साडेसिमल से ऑक्टल में बहुत इजीली कन्वर्ट हो गया है। आप वाया आए हैं बाइनरी, जबकि बाइनरी में उन्होंने पूछा नहीं था, बट व्हाई वी हैव यूज्ड बाइनरी, एज बाइनरी कन्वर्शन इज वेरी सिंपल, इसलिए हमने यूज किया, अदरवाइज इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कन्वर्ट फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम। नाउ वी विल डू द बी क्वेश्चन। इन बी पार्ट दे हैव सेड 0.BF85, सो द सिमिलरली वी विल राइट इट इन बाइनरी। तो 0. फॉर बी, बी मतलब 11, एफ मतलब 15, तो मैं लिख लेती हूँ। ये हमने बी के लिए लिखा 1011, एफ के लिए लिखा 1111 मतलब एफ 15 के इक्विवेलेंट है, एट के लिए लिखा 100 एंड 5 के लिए लिखा 0101, क्योंकि ये जो हेक्साडेसिमल से बाइनरी में जाते हैं तो 4 बिट में जाते हैं। अब मैं इसको फिर से एक बार लिख लेती हूँ, तो 0.1011111110001. मेन नेम हमारा ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, स्टिल इट इज इन बाइनरी, तो हमको इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, तो अब हमको 3 की ग्रुपिंग करनी पड़ेगी, लेकिन हमारी 3 की ग्रुपिंग इस रेडिक्स पॉइंट से हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाके करेंगे, मतलब ये 3, देन ये 3,
देन ये 3, देन दिस 0 0 0, देन 1 0 1, देन 1 इज अलोन, देन यू विल राइट 2 मोर जीरोस फॉर मेकिंग इट 3. तो अब इसके लिए क्या हो जाएगा, ये अब हम ऑक्टल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 0.101 मतलब 5, 111 मतलब 7, 7 000 मतलब 0, 010 मतलब 2 एंड 100 मतलब 4. ये आपको बिल्कुल याद हो जाने चाहिए. तो दिस इज, यहाँ पर आप बेस आपका 8 लिखेंगे. तो ये आपने हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट कर लिया. कन्वर्ट 247.36, ये ऑक्टल नंबर है. दिस इज ऑक्टल नंबर, इज 8 इज रिटन ओवर हियर टू इक्विवेलेंट हेक्स नंबर, मतलब हेक्साडेसिमल में आपको कन्वर्ट करना है. तो अब इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए पहले ऑक्टल नंबर से हम बाइनरी में जाएंगे. तो बाइनरी में अब हम कैसे 2 को कैसे लिखते थे, वैसे सारे नंबर्स लिख लेंगे, लेकिन यहाँ पर हमारा 3 बिट रिप्रेजेंटेशन होता था. तो हम क्या लिखेंगे, 010, 4 के लिए लिखेंगे 100, 7 के लिए 111, 3 के लिए 011 एंड 6 के लिए 110. ये आपका हो गया बाइनरी में, ठीक है. लेकिन जब ऑक्टल में रहता है तो 3 बिट में लिखते हैं, लेकिन जब हम हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है हमको, तो हमको 4 बिट चाहिए. अब 4 बिट में हम यहाँ से ग्रुपिंग करेंगे 4 की, यहाँ से मतलब राइट टू लेफ्ट आएंगे और यहाँ से लेफ्ट टू राइट जाएंगे, और आपको 4 4 की ग्रुपिंग करनी है. तो मैं इस नंबर को एक बार और यहाँ पर लिख लेती हूँ, द सेम नंबर यहाँ पे कॉपी किया है, लेकिन अब 4 की आप ग्रुपिंग करेंगे. तो ये 4 बना पहला ग्रुप, ये सेकंड ग्रुप, और ये 0 है तो इसके आगे आप 3 0 भी लगा देंगे तो ये 0 ही होगा. और इसमें ग्रुपिंग आपकी लेफ्ट से आप राइट में जाएंगे, तो ये 4 यहाँ पे 2 है तो 2 आप और 0 लगा दें. तो ये जो नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 1 0 1 0, मतलब ये 10 हुआ. 10 को हम हेक्साडेसिमल में किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से. उसके बाद हुआ 0 1 1 1, मतलब ये 7 हुआ, 7 अगेन, दिस इज 7 एंड दिस वन इज योर 8. तो ये हुआ 7 8 इन. सो ये ऑक्टल टू आप हेक्साडेसिमल कन्वर्ट किया, लेकिन बीच में आपने बाइनरी का यूज किया, वो वाला रूट फॉलो किया. आपको बाइनरी में कन्वर्ट नहीं करना था, बट दिस रूट वाज इजी, दैट्स व्हाई वी हैव फॉलोड दिस रूट, ठीक है. अब आप कमेंट सेक्शन में आंसर करें कि ये कोई नंबर है जो कि ऑक्टल नंबर सिस्टम का नंबर है. ये नंबर है, ये ऑक्टल नंबर सिस्टम का नंबर है 1473. इसके इक्विवेलेंट अगर हम हेक्साडेसिमल नंबर जो भी निकालेंगे उसमें कितने सिंबल्स होंगे, इसके इक्विवेलेंट जो हेक्साडेसिमल नंबर आप निकालेंगे, वो नंबर नहीं आपको कमेंट पे लिखना है, आपको उस नंबर में कितने सिंबल्स यूज होंगे, मतलब कितनी डिजिट्स, आई शुडंट से डिजिट्स, कितने सिंबल यूज होंगे वो आपको कमेंट करके बताने हैं यहाँ पर, हाउ मेनी सिंबल्स. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. इफ यू आर लाइकिंग अवर वीडियोज, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल एंड सपोर्ट अस.